प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। मिर्जापुर डीएम ने किसानों से दान में मांगी, पराली खेत में हो रही है मित्र कीटों की मौत, मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है नष्ट। कानपुर में मुंह में सिगरेट और हाथ में देसी तमंचे की से फायरिंग, साथी चोर लकी कारतूस का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल। गोरखपुर में हाई प्रोफाइल दिख रही महिला ने चुराया नेकलेस, मास्क और ब्लैक गॉगल लगाकर पहुंची, साड़ी में छिपाया 10 लाख का हार। गाजियाबाद में दो शिफ्ट में चले ऑटो, ट्रैफिक कम करने के लिए पुलिस का स्पेशल स्टार प्लान, नाइट शिफ्ट वालों को जल्द मिलेगी रूट। सरस्वती में सीडीओ ने विद्यालय में किया निरीक्षण, सीडीओ ने बच्चों से प्रश्न पूछे, हिंदी और गणित के प्रश्न में हल करवाए। खुले में कूड़ा फेंकने पर 1 लाख का जुर्माना, वाराणसी का नगर निगम दुकानदारों पर करेगा सख्ती, एक्शन प्लान बना। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक, बलरामपुर के हरैया में 8 घर जले, कारणों का अभी तक पता नहीं चला, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। सीतापुर में 14 अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में हुए निरुद्ध, केस दर्ज कर अपराध में अर्जित संपत्ति होगी जब्त। मेरठ में साइड मांगी तो कारोबारी से लूटे 60,000 रुपए, सरेराह की घटना, 3 युवक ने किया हमला। भदोही में खाद की कमी से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, समितियों पर किसानों की जुट रही है भारी भीड़। मेरठ के होटल में परोसी दिल्ली की शराब, बिग बाइट होटल के मैनेजर, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर केस दर्ज। कन्नौज में हत्या करने वाले दे रहे हैं मुकदमा वापस लेने की धमकी, पुलिस की निष्क्रियता से खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी। बरेली में भूमाफियाओं के तलाश में दिल्ली की दबिश एयरलाइंस ग्रुप के निदेशक समेत 7 भूमाफियाओं के वारंट होने के बाद पुलिस ने 10 टीमें लगाई। चंदौली में चोरों ने बंद घर को बनाया अपना निशाना, 30,000 नकदी और लाखों के आभूषण लेकर फरार। लखीमपुर के धौरहरा में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया, विरोध में विहिप के एसडीएम को शिकायत पत्र लिखा। प्रयागराज में डिवाइस के जरिए बस यात्रियों की होगी गिनती, परिवहन निगम की बसों में प्रवेश करते ही होगी ऑटोमैटिक गिनती। चंदौली में पराली जलाने वालों की खैर नहीं, निगरानी के लिए टीम का गठन, पराली जलाया तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना। कानपुर में डेंगू का हमला जारी, डेंगू की संक्रमण दर 14.43% तक पहुंची, 27 मरीज अस्पताल में भर्ती। बरेली में सड़क हादसे में युवक की मौत, भमोरा के पास ट्रक ने मारी थी टाटा मैजिक को टक्कर, अस्पताल में चालक की हुई मौत। सोनभद्र में तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अन्य जीवों की खाल की करते थे तस्करी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार।
ललितपुर में खदान में मिला महिला का शव, घर से बाहर खेत की तरफ गई थी पानी लेते समय गिरने से की जताई आशंका। बलिया में ट्रेन में चढ़ते समय युवती का पैर फिसला, हादसे में पैर कटा, मध्य प्रदेश को जाने वाली ट्रेन में चढ़ी थी महिला। रायबरेली में सड़क हादसा, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, हालत गंभीर। कानपुर देहात में डीएम ने जारी किया है फरमान, ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाई गई तो लेखपाल जिम्मेदार, निलंबन की भी हो सकती है कार्रवाई। मिर्जापुर में हॉस्पिटल और लान में पकड़ी गई बिजली चोरी, विद्युत विभाग ने रात में चलाया अभियान, विभागों ने दर्ज करवाया मुकदमा। अमेठी में तैनात अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर डिप्टी सीएम विजय पाठक की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर संजीव सिंह ने की थी फायरिंग। कुशीनगर में हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से देशी तमंचा भी बरामद। लखनऊ में गौतम बुद्ध पार्क के सामने शराबियों के बीच जमकर हुई है मारपीट, बीच बचाव करने वाले पुलिसकर्मियों की भी नहीं सुनी। सुल्तानपुर में महिला जिला महिला अस्पताल में हंगामा, पहले जुड़वा बच्चों की हुई मौत, फिर मां ने दम तोड़ा, परिवार वालों ने काटा हंगामा। यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता, सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय पाठक, बोले उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में होगी प्रचंड जीत। बदायूं में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, दो दिन से खुले में मरी पड़ी है गाय, प्रशासन ने गाय के शव को नहीं उठाया। बुलंदशहर में आफ्ताब के बचाव में उतरा बहरूपिया, निकला विकास, 35 की जगह 36 टुकड़े करने की कही थी बात, गिरफ्तार हुआ। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र के गुप्ता मेटल वर्कर्स में हुई है लूट, हथियार बंद बदमाशों ने गन पॉइंट पर दिया घटना को अंजाम। बुलंदशहर में निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, आईएमए के अध्यक्ष की शिकायत पर की गई छापेमारी। गाजियाबाद में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। बुलंदशहर में स्कूल से निकली 10वीं की छात्रा का अपहरण कर निकबाज रे, वीडियो भी वायरल किया गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पढ़े सूत्र में बनकर में बंधे हैं 3003 जोड़े, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हुआ आयोजन। गोड़ा में भ्रष्टाचार की लागत में बनी सड़क, स्थानीय लोगों ने खोली पोल, सड़क का घटिया निर्माण होने से भड़के ग्रामीण, जमकर हो रहा है बंदरबांट। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई 1 दिसंबर तक टली, कोर्ट ने कहा कि सबूत के साथ आए वरना दें अंतरिम जमानत। कासगंज में लोडर वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में मृतक रेप पीड़ित बहनों के परिवार को मिला कांग्रेसियों का चेक हुआ बाउंस,
चेक बाउंस होने से नाराज है परिवार। कासगंज में यातायात माह जागरूकता अभियान का हुआ है आयोजन, कोतवाली प्रभारी के यातायात के नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को किया जागरूक। रायबरेली में किसानों को घरों में किया गया कैद, 26 नवंबर को होनी थी किसान महापंचायत। औरैया में विद्युत विभाग की टीम ने की छापेमारी, छापेमारी के दौरान बिजली चोरी के आरोप में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिद्धार्थनगर में कमरे के अंदर फंदे से लटकता मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। सीतापुर हनुमान मंदिर के सामने मांस मदिरा का सेवन करने का मुकदमा गरमाया, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना संगठन जिलाधिकारी अनु सिंह को दिया ज्ञापन। रायबरेली में आपस में भिड़े दो मोटरसाइकिल हादसे में दो लोगों की गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में सिकंदराबाद डिपो में रोडवेज चालक परिचालकों व कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन, बिना जांच के निलंबित करने का आरोप। चंदौली में स्कूली बच्चों को पिकअप पर ले जाने का वीडियो हुआ है वायरल, जिला स्तरीय रैली में भाग लेने के लिए पिकअप से जा रहे थे बच्चे। गुना में किशोरी के साथ दरिंदगी, बकरियों का घर से खेत में चारा लेने के लिए गई थी किशोरी, मौके से आरोपी फरार। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है, हादसे में एक की मौत हुई, 5 घायल। कानपुर में मोबाइल चोरी के शक में पुलिस ने चौकी ले जा कर बेरहमी से पीटा, घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश। पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान में राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान, यूपी पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी पहुंचे। कानपुर में शहर में तेंदुआ बना आफत, फिर से एनएसआई में दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में हुआ है कैद तेंदुआ। रोडवेज बस अड्डों का नाम अब अमर शहीद के नाम से जाना जाएगा, रोडवेज बसों को भी मिलेगा अमर शहीदों के नाम। आगरा में बैकफुट पे आए डिप्टी सीएम विजय पाठक, सविता समाज का अमर्यादित टिप्पणी के बाद नाराज कविता समाज से मांग माफी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिली महिला का शव, परिजनों का रो रो का बुरा हाल। स्वास्थ्य में कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध परिवर्तन अभियान, अभियान में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व 100 किलो लहन मौके से बरामद। सौस्ती में डॉक्टर ग्यास अहमद के समर्थन में प्राइवेट चिकित्सक संघ, 4 सूत्री राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, एसडीएम इकोना को सौंपा ज्ञापन। बेवफा पत्नी को प्रेमी संग पकड़ने पर पिटा पति, मेरठ में पति को भारी पड़ी पत्नी की शिकायत, ससुराल वालों ने कर दी दामाद की धुनाई। झांसी में प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई की हत्या, 10 दिन पहले घर में घुसकर किया था हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। सीतापुर में बाघ बेटे के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई, दिसंबर 2021 में बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की थी, जेल में बंद है पिता।
मैदावल में चल रहा है अवैध टैक्सी स्टैंड, आरटीओ और मुकामी पुलिस की मिली भगत, धड़ल्ले से चल रहे हैं प्राइवेट डग्गा मार वाहन। कुशीनगर में टीचर ने कहा योर वर्क इज नॉट गुड, इतनी सी बात पर स्कूल के टॉप फ्लोर से कूद गई थी छात्रा, आईसीयू में है भर्ती। आगरा प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरेट लागू, अब कर्फ्यू, लाठीचार्ज और धारा 144 लगाने जैसे फैसले पुलिस ले सकती है। सत्ताईस को अयोध्या में सीएम योगी 6 घंटे रहेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक पर, रामायण मेले का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश के पूर्व मंत्री बिजेंद्र पाल यादव का निधन, मुलायम सरकार में मंत्री रहे अब बेटी पिंकी यादव, असमोली से विधायक। ग्रेनो वेस्ट के फ्लैट में युवक ने फंदा लगाया, सीलिंग फैन के सहारे लटकता मिला है युवक का शव, टीएलसी से करता था जॉब, पत्नी भी करती है जॉब। बांदा के बेबरू में बनेगी बीएसएनएल 4 लैब, 3 सदस्यीय टीम केंद्रीय टीम ने ली है देखी जमीन, 100 बीघा में होगा निर्माण। बहराइच में डीएम ने की है कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक, बोले नष्ट हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे रोपित करें विभाग। सोनभद्र में उबरा में खाली प्लाट पर लगी आग, युवक जिंदा जला, कमरे में धुआं निकाला तो फायर ब्रिगेड पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद था। फरखाबाद डीएम ने मोहम्मदाबाद में नर्सरी का किया निरीक्षण, नर्सरी में देखा ताइवान का तरबूज, 50 बीघा खेत में लगाया गया तरबूज। हमीरपुर नगर निकाय चुनाव प्रत्याशियों को मिलेंगे अजब गजब चुनाव चिन्ह, किसी को मिलेगी गुल्ली डंडा तो किसी को मिला फरसा। भदोही में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 2021 में आरोपी ने नाबालिग के साथ किया था रेप, 70,000 का अर्थदंड भी लगाया। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप